Mahmut Musa, onları Hoca Mahmut Hüseyin gelse. Mahmut Akır Dost. Şimdi sesi Mahmut Abbas. Mahmut Raza. Hacı Bunda. Mahmut Musa. अशरफ अली को इस जलसे को इतना कामयाब बनाए ताकि अपोजिशन को लोगों को लगे वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो दम वापस आ गई जो आज से कई साल पहले था। बेशक हम भटक गए हैं लेकिन भटक नहीं गए हैं, हम वापस आएंगे, इकरार में कब्जा करेंगे और लोगों का काम करेंगे। साथ देने के लिए कुछ नहीं, हमको हमारे लीडरशिप पे भरोसा करके इस पार्टी के जो पिछले कारकर्दगी की है उसको देख के आज मुझे हमें ये खुशी है कि खासकर जो पढ़े लिखे जवान जो है इस पार्टी से जुड़ रहे हैं और आगे जाके भी इंशाल्लाह जुड़ेंगे। बाकी रहा चाहे खास का ड्रामा हो चाहे पिछले साल जो ड्रामा रचाए गए हैं, आने वाले एक दो महीने में आप लोगों को पता चलेगा कि खास में क्या होने जा रहा है, बाकी जगहों में क्या होने जा रहा है आप लोगों को पता। मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए जवानों ने यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया है। तकरीबन 70 से लेकर 80 जवानों ने अपने सपोर्टरों के साथ यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया है। इससे एक मैसेज जा रहा है पूरे करगिल में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अब बहुत सारे जवान जुड़ रहे हैं। उसका एक मेन वजह जो हमारा मौजूदा गवर्नर चला रहा है यहाँ पे जो हुकूमत है उनके गलत पॉलिसी की वजह से अब हमारे जवान उनसे उकता चुके हैं, वो उनसे अब दूर हो रहे हैं और अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पॉलिसीज हैं जो प्लान्स हैं जो उनके तरफ रुजू कर रहे हैं। घर वापसी भी आप कह सकते हैं, नए वापसी भी कह सकते हैं। जैसे हमारे सदर साहब ने एक प्रोग्राम बनाया था ज्वाइन करने का, आप लोगों को मालूम है यहाँ पर लोगों को बहका के लिया गया है, किसी को नौकरी का लालच देके, किसी को CDF के 3 करोड़ का लालच देके, किसी को नदी का नाले का लालच देके। तो अब वो वादे तो पूरे हुए नहीं। नौकरियों का लालच दिया था, जब नौकरियों का मसला हल नहीं हो गया तो कोर्ट में जाके सिटे करा दिया PDP वालों ने। नदी नालों का तो मसला हल होगा नहीं, 3 करोड़ तो ऑलरेडी खा चुके हैं, नया 3 करोड़ आने के लिए अभी टाइम लगेगा। तो लोगों को पता चला ये तो सब झूठ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने जो भी वादे किए आज तक पूरे किए हैं, अगर जो वादा किया है वो हर वक्त पूरा किया है, अगर नहीं किया है तो जो नहीं हुआ है। तो इसीलिए लोगों को लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी तंजीम है जिसने करगिल की मफाद में काम किया, करगिल कौम के लिए काम किया है, तो लोग आज वापस आने लगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल की तरफ से आज एक कन्वेंशन प्रोग्राम TFC बरू में रखा गया। इस प्रोग्राम में करगिल के बहुत सारे नौजवान जिन्होंने आज NC पार्टी ज्वाइन किया, आप सबको बताते जाऊँ आने वाले महीनों में करगिल का लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन होने जा रहा है। तो इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्किंग प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब 2 दिन के दौरे पर करगिल तशरीफ ला रहे हैं। XL4 न्यूज़ के लिए करगिल से बशारत लद्दाखी।